राजधानी रायपुर से सटे दुर्ग के कुम्हारी में हादसा हुआ। हादसे में अभी तक 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को फैक्ट्री प्रबंधन ने 10-10 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार के लिए 25,000 दिए जा रहे हैं। इसी बीच आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हादसे में हुए घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सड़क हादसे का बयान भी दिया। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है। बेहतर इलाज के लिए एम्स को निर्देशित किया गया है। देखिए, कल कुम्हारी के पास एक बस दुर्घटना हुई है जो कि बड़ा दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई है और उतने ही करीब घायल हुए हैं। और अभी हम घायलों से मिल के आ रहे हैं। एम्स में 10 लोग एडमिट हैं, उनसे मिल के हम आ रहे हैं। और इस घटना में जो 12 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना हम व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ये भगवान से प्रार्थना है। और जितने भी घायल हैं वो भी शीघ्र स्वस्थ हों, ये प्रभु से कामना करते हैं। और इस घटना के प्रति हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी संवेदना व्यक्त किए हैं। और जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, इसका शासन ख्याल कर रहा है। और मेरी जानकारी के अनुसार कंपनी मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा दे रहा है और एक नौकरी भी देगा मृतक परिवार को, और अच्छा से अच्छा उपचार हो इसकी भी चिंता कंपनी भी कर रहा है, हमारा पूरा शासन प्रशासन भी कर रहा है।